नमस्कार दोस्तों, हेलो सलाम सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। 2020 शुरू हो चुका है, आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। जो एक कस्टम है बोलने का, मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता कि मेरे कहने से आपका ईयर हैप्पी हो जाएगा, ये डिपेंड करता है मोदी जी का मूड कैसा है, तब आपका ईयर हैप्पी होगा अनहैप्पी होगा। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। सवाल पूछना बिल्कुल मना है, आप पूछ भी नहीं सकते हो। अल्लाह बोलना भी बिल्कुल मना है, क्योंकि आपने वो बोल दिया तो आपके चमाट फट जाएंगे, दो चार IIT में हो सकता है रिसर्च हो जाए। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, 2020 आ चुका है, इंडिया सुपर पावर बन चुका है, और सुपर पावर इंडिया में ये पहला भारत एक मौज। नए साल का यह पहला एपिसोड है ये, और नया साल का जो नंबर है वो 2020 है, और 2020 में इंडिया को बनना था सुपर पावर, और हम सुपर पावर बन चुके हैं। सुपर पावर बनने के बाद ये हमारा पहला एपिसोड है, लेकिन इंडिया ने सुपर पावर बनते ही पहला काम जो किया सुपर पावर वाला, वो ये था कि उन्होंने एक फोन नंबर जारी किया हमारी सरकार ने ट्विटर पे, जो कि टोल फ्री नंबर था सेक्स चैट के लिए, जिसमें लड़कियों के प्रोफाइल से वो नंबर ट्वीट करा जा रहा था कि मैं आज रात को अकेली हूँ, मेरे से बात कर लो। सनी लियोन का भी वही नंबर था, आलिया भट्ट का भी वही नंबर था, और मज़े की बात यह है कि अमित शाह जी ने दिखाया कि इस नंबर पे फ़ोन करो, मिस कॉल मारो इस नंबर पे, ताकि CAA का सपोर्ट दर्ज हो जाए। मतलब क्या हो रहा है, ये बिग बॉस चल रहा है क्या कि अपने अपने कैंडिडेट के लिए मिस कॉल मारो? आप इतने बड़े मुद्दे पे मिस कॉल मरवा रहे हो, और अभी अमित शाह जी ने बयान दिया कि बीजेपी को CAA के सपोर्ट में कोई 52 लाख मिस कॉल आए, 52 लैक्स, और बीजेपी की खुद की मेंबरशिप करोड़ों में है। अगर करोड़ों मेंबर्स में से उनके बाद उनको 52 लाख मिस कॉल आए, तो इसका मतलब कि सारे बीजेपी वाले भी मिस कॉल नहीं मार रहे, और इस 52 लाख में बहुत सारे तो ऐसे ठरकी भी होंगे जिन्होंने इस बात के लिए फोन कर दिया कि भाई ये लोनली लड़की बात करना चाह रही है। ये बात अलग से है कि बाद में हुआ कुछ नहीं, बात किसी ने करी नहीं। तो पूरे 52 लाख में से अगर हम इन ठरकियों की जो परसेंटेज निकाल दें तो और भी कम हो जाते हैं। तो ये तो बीजेपी वाले ही CAA के लिए नहीं कर रहे, लेकिन ट्वीट तो जरूर कर रहे हैं बीजेपी ने। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट करना चाह रहे थे कि वोट फॉर लोटस, और उनसे गलती से हुआ या पता नहीं फ्रॉइडियन स्लिप हो गया, उन्होंने ट्वीट कर दिया वोट फॉर लाउट्स। लाउट्स का मतलब चेक कर लेना, मुझे तो इतनी अंग्रेजी नहीं आती, मैंने जाके चेक किया तो अच्छा नहीं था। आजकल पिछले कुछ सालों से एक नया टर्म है जिससे हिंदुस्तानियों को कुछ खास दिक्कत होने लगी है, सारे हिंदुस्तानियों को नहीं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगी है। वो टर्म आपने इस्तेमाल कराने के लोगों के मुंह से झाग निकलने लगता है, उनको गुस्सा आने लगता है, वो गोली मारने तक पहुंच जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं कि गोली मारो गोली मारो, और पता नहीं उनके अंदर से कौन सा हिंदुस्तानी निकल के आता है जो इस तरह की बातें करता है। वो टर्म है JNU। JNU मुझे लगता है इस सरकार का एक पेट प्रोजेक्ट है कि जब भी सरकार किसी और अपनी नाकामी से ध्यान हटाना चाहती है तो वो किसी ना किसी तरीके से JNU को बीच में ले आती है, और फिर सारा मीडिया और आप और मैं, हम लोग उसी डिस्कशन में फंसे रहते हैं, और सरकार से कोई इकॉनमी के बारे में या GDP के बारे में या और जो ऐसे सवाल जो हमको अपनी सरकार से करने चाहिए वो हम भूल जाते हैं। पिछले दिनों JNU में जो हुआ वो आप सबने देखा ही होगा, सारे TV चैनल पे और आपके WhatsApp ग्रुप्स पे और सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रहे थे। ऐसा लग रहा था JNU बिल्कुल गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग चल रही है वहाँ पे, क्योंकि लोग नकाब पोश, हाथों में लठ हथौड़ा, और यहाँ तक भी सुना गया कि एसिड लेके भी लोग वहाँ पे घूम रहे थे। और वो कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, कोई एक्चुअल में वासेपुर नहीं है, वो भी दिल्ली के अंदर है, एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी के अंदर ये हो रहा था। कॉल्स वर गिवन दैट व्हेनेवर यू आर स्टेपिंग आउट, स्टेप आउट इन ग्रुप्स, स्टेप आउट व्हाइल यू हैव रॉड्स, बार्स, व्हाटएवर यू गेट हैंडी, pepper spray, somebody has acid. I have not even heard or seen any case of acid attack or something. No, so you're saying that these two members are of the ABVP? आप मान रही हैं कि दोनों ABVP के हैं? Yes, I'm not disowning. और ये लाठी क्यों पकड़े हुए हैं? Self-defense में लाठी पकड़े हुए हैं? Self-defense, complete self-defense. बड़ा लड़ाई का एक जो ट्विस्ट दिया गया है वो इस तरीके से कि एक तरफ लेफ्ट के लोग थे, एक तरफ राइट के लोग थे, और वायलेंस, कुछ लोग कह रहे हैं वायलेंस लेफ्ट ने किया, कुछ लोग कह रहे हैं वायलेंस राइट ने किया। हम इसमें नहीं घुसते। मैं लॉजिकल सवाल करूंगा आपसे कि आप ये बताएं कि अपने मुंह पे कपड़ा बांध के और वायलेंस करने के लिए कौन आता है? कोई चोर होता है, या कोई डाकू होता है, या कोई गैर कानूनी काम करने वाला बंदा ही अपनी शक्ल छुपाएगा? वो कैंपस में कैसे घुस गए और कैंपस में घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं? चलो स्टूडेंट से आपकी प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट से आप झगड़ लो, उनको पीट लो, आपका फर्नीचर से, प्रॉपर्टी से, उससे क्या लेना देना, उनको भी फोड़ रहे हो आप।
अब ये टैक्स पेयर कंपनी नहीं है क्या, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा कि टैक्स पेयर कंपनी वेस्ट कर दे इन्होंने यहाँ पे। अब नैरेटिव ये चल रहा है कि जो जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट हैं उनका सर फाड़ दिया गया, और वीडियो भी हैं उसके बाकायदा जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरे पे ऐसे हमला, खून बह रहा है, टांके वाके भी आए हैं उनके। तो इसको इस तरह से घुमाया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा कि इन्होंने खुद ही वायलेंस किया था, क्योंकि बाद में आपने देखा FIR भी उनके अगेंस्ट हुई है, बेशक चाहे पहले वाले मसले को लेकर हुई हो, कि इन्होंने खुद वायलेंस किया है और ABVP का नाम लगा रहे हैं। ठीक है, बात में दम है, हो सकता है कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, कैसी भी वायलेंस कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझाओ यार, ये करा कैसे है, मतलब ये पूरी की पूरी कार्रवाई इन्होंने कैसे करी, डंडा पकड़ के अपने सर में देके मारा और अपना सर फाड़ा, या फिर किसी अपने साथी को बोला कि आप मेरे सर पे डंडा मारो, मेरा सर फट जाए, फिर हम नाम उनका लगा देंगे। ऐसा तो गैंग तो वासेपुर में भी नहीं हुआ था, उसमें भी उसी को ही मार रहे थे, दूसरे को ही मार रहे थे के तेरी कह के लूंगा, कह इस किस्म के डायलॉग तेरी, यहाँ खुद ही डंडा मार लिया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद ये हो गया कि ये तो एस्टेब्लिश हो गया, करने की कोशिश कर रहे थे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में कि ये जो वायलेंस किया गया है ये एक पर्टिकुलर तबके लेफ्ट की तरफ से किया गया है और अपना सिर फोड़ा उन्होंने। लेकिन उसके बाद BJP के ही वेस्ट बंगाल के एक हैं दिलीप घोष जी, वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इनके लेफ्ट के साथ यही होना चाहिए, मतलब वो कह रहे हैं कि लेफ्ट पिटा है। फिर एक हिंदू रक्षा सेना है उनके हैं, एक उनको बड़ा स्वीट सा नाम है, बहुत गुलाबी नाम है, पिंकी। हमारे देश में ऐसी गतिविधियां हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा, देश विरोधी गतिविधियां अगर हमारे यहां कोई करेगा तो उसे इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा जैसा हमने कल शाम को दिया है, और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। अगर आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे। ये जिम्मेदारी सारी हिंदू रक्षा दल लेता है। हिंदू रक्षा दल, भूपेंद्र तोमर, पिंकी चौधरी, ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो JNU में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे। पिंकी जी कह रहे हैं कि हमने मारा है, तो हिंदू रक्षा दल ने मारा है, हमने लेफ्ट को मारा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे लोग मिलके आपस में, ये पिंकी जी हैं, दिलीप घोष जी हैं, ABVP है, ये सब मिलके आपस में पहले डिसाइड कर लिया करें ना, जब इस तरह का प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो प्रोजेक्ट से पहले एक प्रोजेक्ट का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिया करें और सब में बांट दिया करें कि भाई ये हैं हमारे जो पॉइंट्स हैं, हम ये बयान देंगे उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो जाएगा, जब ये प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इनकी आपस की बातें नहीं मिल रही हैं, इनकी बातें सुन के हमें ज़्यादा शक इन्हीं के ऊपर होता है। दूसरा सवाल उठता है कि जो पुलिस है, पुलिस जो है जो नकाबपोश जो दंगाई हैं उनको तमीज से अंदर जाने दे रही है। पहली बार मैंने पुलिस को इतनी तमीज से बिहेव करते हुए देखा दंगाइयों के सामने, पहली बार मैंने देखा दिल्ली पुलिस इस तरह से खड़ी हुई थी जैसे अमोल पालेकर अपनी फिल्मों में खड़ा हुआ करता था, बिल्कुल शरीफ आदमी जिससे आपको प्यार करने का मन करे, इसको गुलाब देने का आपका मन करे। अमोल पालेकर की तरफ पुलिस वहां पे खड़ी हुई है, दंगाई अंदर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो पिट रहे हैं वो SOS भेज रहे हैं पुलिस वालों को, लेकिन वो नहीं हिले, स्टूडेंट्स पिटते रहे। उसके बाद दंगाई को बाकायदा निकाल भी दिया गया, ऐसा सुनने में आया है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो किसी ने बोला ही नहीं अंदर जाने के लिए, इरेस्पेक्टिव के बच्चों ने कितने कॉल्स किए उनको, तो हम अंदर कैसे घुस जाएं? लेकिन उसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि जामिया में आप कैसे घुस गए थे अंदर ठोकने के लिए? इसका भी उन्होंने काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि जब हम जामिया में घुसे तब आपको प्रॉब्लम हो गई, अब हम JNU में नहीं घुसे तो आपको प्रॉब्लम हो गई। तो इस सारे में, इस सारे गड़बड़ झाले में आप देख रहे हो इकोनॉमी साइड से निकल गई। अब JNU के बाद, ये इंसिडेंट के बाद एक डिबेट और चलने लगी है आम लोगों में, और स्पेशली जो BJP के लोग हैं जो टेलीविजन पे आके प्रेस में आके जो बयानबाजी कर रहे हैं उसमें उनका एक मकसद है कि जो है प्रोटेस्ट करो, आप बिल्कुल करो लेकिन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करो, क्योंकि अगर आप वायलेंट प्रोटेस्ट करोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। पुलिस, जहाँ पे पुलिस दे सकती है पुलिस देगी, जहाँ पे पुलिस नहीं दे सकती है तो नकाबपोश आके दे देंगे। जाहिर सी बात समझ में आ गया, मतलब वायलेंस टॉलरेटेड नहीं है, प्रोटेस्ट करो लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से। अब नॉन वायलेंट तरीके का प्रोटेस्ट क्या होता है कि आप बैनर लेके खड़े हो जाओ, ठीक है। अमित शाह जी ने दिल्ली में अपनी एक रैली निकाली प्रो CA के लिए, और लाजपत नगर में दो लड़कियों ने अपनी बालकनी से एक बैनर लटका दिया जिस पे SNO2 CA और CA के खिलाफ उन्होंने लिखा हुआ था, और शायद ऊपर से नारेबाजी भी कर दी थी। अब इसमें मुझे तो कहीं वायलेंस दिखाई नहीं दी, आपको दिखी हो तो बता देना।
लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बैनर लटकाया, उस रैली में से 150 लोग उनके घर में बार्जिन कर गए और दरवाज़ा पीटने लगे, खोलो नहीं तो दरवाज़ा तोड़ देंगे। वो बेचारी लड़कियाँ 7 घंटे तक अंदर बंद रही, नीचे से गेट का ताला भी लगा दिया। इवेंचुअली उन लड़कियों को एविक्ट होना पड़ा वहाँ से। तो ये प्रोटेस्ट भी अलाउड नहीं है। तो मैं जो हमारे हुक्मरान हैं, हुजूर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि नॉन वायलेंट करें, नॉन वायलेंट भी आप करने नहीं दे रहे हो, तो प्लीज़ एक बार हमें बता दो, लिख के या बोल के, मन की बात में बोल दो कि प्रोटेस्ट करें तो कैसे करें। पहले तो लड़कियों को घर मिलना ही मुश्किल है, दूसरी बात मिल जाए तो फिर 50 तरह की पाबंदियाँ, आप कपड़े ये ना पहने, आपका रहन सहन ऐसा है, आपका खान पान ऐसा है, आपके घर में लड़के आते हैं। अब एक नया शगुफा और जुड़ गया है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको घर नहीं देंगे। मतलब इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, बताओ आप जो है एंटी CAA तो नहीं हो, आप प्रोटेस्ट तो नहीं करोगे, अगर करोगे तो आपको घर नहीं देंगे। तो आप खुद ही बता दो कि इस पूरे माहौल के अंदर अगर स्टूडेंट एजिटेट हो या यंग कोई एजिटेट हो या कोई भी एजिटेट हो और शिकायत दर्ज कराना चाहता हो सरकार से, अपनी नाराजगी दर्ज कराना चाहता हो, तो वो कैसे करे? क्योंकि आखिरकार जो आवाम है वो सरकार की गुलाम नहीं है। आवाम सरकार के लिए नौकरी नहीं करती, एक्चुअली सरकार आवाम के लिए नौकरी करती है और सरकार को तनख्वाह आवाम देती है। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी, याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। भारतीय राजनीति की एक खास बात है, चाहे इंसाफ करे या ना करे, डेवलपमेंट करे या ना करे, और जो है लोगों को नौकरियां दे या ना दे, हेल्थ केयर दे या ना दे, ऐसे ऐसे कैंडिडेट जरूर देता रहता है जिनकी बातें सुन के आपका पूरा दिन आराम से हंसते हंसते निकल सकता है। आजकल के ऐसे कैंडिडेट हैं मनोज तिवारी जी, जो दिल्ली के CM कैंडिडेट माने जाते हैं। उनकी बातें, पहले तो उनका म्यूजिक ही सुन लें आप, उनका पुराना जो म्यूजिक है बहुत मज़ेदार है। तो बहुत फेमस भी है, रिंकिया के पापा, घूमे मोपट में सवार, शहर की लड़की, और इस तरह की बयानबाजी वो अपने गानों से लेके बाकी अपने इंटरव्यूज़ में भी लेके आ रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि केजरीवाल जो है ना वोटों के लिए सारा फोकस ना हेल्थ और एजुकेशन पे कर रहा है, इसके एजेंडा में विकास ही नहीं है। अब मैं सोच रहा है ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं कहीं, लेकिन असल में उन्होंने ये बोला कि केजरीवाल, मैं फिर से रिपीट करता हूँ अगर आपको मेरे बातों पर और अपने कानों पर यकीन ना हुआ, तो केजरीवाल वोटों के लिए हेल्थ पे और एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, उसके एजेंडा में विकास है ही नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट इट सिंक। आप ले लें टाइम थोड़ा सा, इस बात को बार बार सुन लें कि हेल्थ केयर और एजुकेशन इज एक्चुअली नॉट विकास। People both in the social media and in my face have told me, oh my god, you're the most worst finance minister we've seen. Manoj Tiwari ji ki baat sunke mujhe lagta hai ki there is some dictionary jo missing hai, hamare se missing hai, matlab hamare paas hai nahi. Us dictionary mein aise aise word hain, unke aise aise meanings hain, jaise urban naxal, tukde tukde gang, desh drohi, anti national aur pata nahi kya kya, unke meaning sirf inhi ko pata hai, humko pata nahi hai. Usi dictionary mein ek word hai vikas, jiska matlab hame malum nahi hai, Manoj Tiwari ji ko zarur malum hai, kyunki wo vikas jo hai na, us vikas mein ye sab cheeze nahi aati hai, health care aur education, wo kuch aur hi vikas hai jo hame nahi pata. To aap sab logon se guzarish hai, kisi tarah se haath pair jod ke kahin se wo dictionary dhoond lao, taki aap aur Manoj Tiwari ek hi page pe ho, vikas ka asli matlab samajh mein aa jaye, kyunki ye to usi dictionary se bata rahe the vikas kya hota hai, ye hamari hi galti hai ki humne use conventional vikas samajh liya. Jhooth bolo, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो. दोस्तों, जब जब मोदी जी बोलते हैं मजा ही आ जाता है, खुदा की कसम इतना मजा आता है कि मैं मतलब ये सोचता, मुझे किसी भी कॉमेडियन की कॉमेडी देख के इतनी हंसी नहीं आती, लेकिन मोदी जी की बात सुन के मेरे दिमाग में दो लेवल पे अटैक होता है, मतलब बड़ा स्वीट सा हमला होता है. मुझे कभी भी हंसी नहीं आती किसी की बात सुन के, लेकिन मोदी जी सोचने पे मजबूर करते हैं और सोचने के बाद हंसी आती है. इसको कहते हैं अ थिंकिंग मैंस कॉमेडियन. जो हर कॉमिक की एक इच्छा होती है, दिली तमन्ना होती है कि मैं एक थिंकिंग मैंस कॉमेडियन बन जाऊं. तो ये वो है. और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता ना,
तो ये मोदी जी की ये वाली साइंस के बारे में ये स्पीच सुन लीजिए, जिसमें वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के, वो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है रुकी, उसको फिर खिसका खिसका के हम काइनेटिक एनर्जी बना देते हैं और फिर काइनेटिक एनर्जी से हम क्या कर लेंगे। मैं बड़ी देर से उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत लोगों से पूछ लिया, किसी को भी समझ में नहीं आया। समझने में इतना टाइम लग गया मुझे लगा कि क्योंकि समझने के बाद मुझे हंसना भी है और समझ मुझे अभी आ नहीं रहा है, तो पहले हंस लेता हूँ बाद में समझ लूंगा। तो मैं हंस तो चुका हूँ खूब उस पर, समझ अभी तक नहीं आई है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज नीचे लिख देना, हमारा भी भला हो जाएगा, मेरी हंसी जस्टिफाई हो जाएगी। फ्रेंड्स, वी नो फ्रॉम साइंस दैट द पोटेंशियल एनर्जी, द साइलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन मूव माउंटेन्स बाय इट्स कन्वर्जन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोशन, कैन बी बिल्ड ए साइंस इन मोशन। Imagine the enormous impact of a full translation of our scientific potential into record socio-economic development through relevant technology, innovation, startups and industry. Can we have this high pressure steam drive a high speed engine of science and technology to navigate and connect the new India of opportunities? कुछ लोगों के जवाब देने का तरीका जो होता है ना, वो बड़ा ही मजेदार होता है। मतलब आप उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आजकल बहस करते हैं अपने से डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले से, तो वो हमेशा ये बोल देता है तब तुम कहाँ थे, या फिर कोई और वाटरबाइटरी लेके आ जाता है, या कुछ और जवाबदेही करने लगता है, हमसे कुछ और सवाल पूछने लग जाता है, तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो नहीं पाता है। तो आपको तब लगता है कि इनसे डील कैसे करें। लेकिन मनीष सिसोदिया ने जैसे डील किया अमित शाह के एक सवाल पे, बहुत ही मज़ेदार था। आप लोगों को भी उस किताब में से एक सबक ले लेना चाहिए, मनीष सिसोदिया की किताब में से, जैसा अंग्रेजी में बोलते हैं टेक अ लीक आउट ऑफ हिज बुक, कि कैसे उन्होंने अमित शाह के सवाल का जवाब दिया। दिल्ली में इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पर अमित शाह जी ने बोल दिया कि मेरे को तो दिल्ली में कहीं CCTV दिखे नहीं। अब ये बात पड़ी मनीष सिसोदिया के कान में, मनीष सिसोदिया ने वो सारी CCTV फुटेज जो अमित शाह अपनी रैली में दिल्ली में घूम घूम के कर रहे थे, वो पूरी की पूरी फुटेज निकाल के दिखा दी कि ये रही जी CCTV फुटेज, ये देख लो। अब इसको तो कोई रिफ्यूट कर नहीं सकता। ये अलग बात है कि बीजेपी के पास एक स्पेशल टैलेंट है कि वो किसी भी चीज को ट्विस्ट करके रिफ्यूट कर सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं ये तो हमारे CCTV कैमरा लगाए हुए थे, ये अपना नाम लगा रहे हैं खामखा। तो जो भी है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने जवाब अच्छा दिया। अब मैं उनको बताता हूँ कि ये कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी दो दिन पहले वो लाजपत नगर में गए थे डोर टू डोर करने। 8 घरों की उन्होंने डोर टू डोर की थी, और एक गली में 8 घरों में वो डोर टू डोर करने गए थे। जिस गली में वो डोर टू डोर करने गए थे वहां पर 16 कैमरे लगे हुए हैं। और वैसे अमित शाह जी एक बात बताइए, आपको मेरे ख्याल से पता है कि दिल्ली में CCTV कैमरा लगे हुए हैं, इसीलिए जब आपकी पुलिस वहां पे खड़े होकर एक्शन या इनएक्शन, डिपेंडिंग अपॉन कि किसके ऊपर लेना है एक्शन या इनएक्शन, जब वो खड़ी होती है वहां पे, आप स्ट्रीट लाइट क्यों बंद कर देते हो। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत डिप्रेसिंग है, तो मैं आपको ना एक ऐसे हाई नोट पे छोड़ के जाता हूं, जहां पे आप ये देखने के बाद ना, जब आप इस प्रोग्राम को बंद करेंगे तो आप काफी देर तक हंसेंगे, क्योंकि जो क्लिप में अभी आपको दिखा रहा हूं उसमें ट्रेजेडी है, ड्रामा है, इमोशन है, एक्चुअली ड्रामा से ज्यादा मेलो ड्रामा है। लेकिन इन सब इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो ये सारे इमोशंस को इनेक्ट कर रहा है, वो कौन है। आप वो शक्ल देखें, आपका मन करेगा कि अपने घर से रोटी लाके इसको दे देंगे, इसने पता नहीं कितने दिन से गम में खाना नहीं खाया है। ये क्लिप देख रहे हैं आप हमारे प्यारे अमीश देवगन की, जो कहने को तो जर्नलिस्ट है लेकिन देखो कर क्या रहे हैं। ये तो मैं दिखा रहा हूं आपको, लेकिन उसके अलावा गालियां लिखी गई है, वो गालियां हमने पूरी एडिट कर दी है। मां बहन की गालियां लिखी गई हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजर जाए, मर जाए, गुजरने का मतलब तो यही होता है ना, या कुछ और होता है। सुधांशु त्रिवेदी, News 18 इंडिया के एक्सपोजेबल, आप क्या कहते हैं। जनता उच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल,
ज्ञान में खोट ना आए, भारत एक मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे, भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमरख बर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काठ के उल्लू बन गए राजा, भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर, भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे